अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। करबला मौला बैनुल हरमैन। जुमेरात का दिन शब जुमा लगी चाहती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरबईन में आने की ख्वाहिश मोमिनीन के दिलों में मौजज़न है। आइए अपनी ख्वाहिश को मौला की बारगाह में पहुंचाने के लिए सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराब इब्ने अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अकीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबना अमीरिल मुमिनीन व अबना सय्यदिल वसीयीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदं मा बकीतु व बकिया लैलु व नहार वला जअलहु वहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास याबना अमीरिल मुमिनीन व अबना कातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही वले अमीरिल मुमिनीना वल हसने वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या कतीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाबा ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या साकी अफ़्ताशा करबला। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु।
करबला मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में मरहबा अर्ज करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज करबला मौला में 8 सफरुल हुज्न 1443 हिजरी है, 16 सितंबर 2021 और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 658 बारगाह अकदस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद होंगे नुभा मनकबत खां व शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व सोज खां सैयद अनीस अब्बास रिजवी कमर साहब टोरंटो कनाडा से और नुहा खां सैयद जहीर अब्बास साहब जहीर अब्बास आबदी साहब कराची सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का बेहद व बेहिसाब बेपायान शुक्र है कि उसने हमें जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद साआतें और इनायत फरमाई। अन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फी फसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अबीजर रज़ियल्लाहु अन्हु काल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी ज़र से जो नसीहत की फरमाया काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा ज़र मन अहब्बना अहलल बैत फलयहमदिल्लाह अला अव्वलिन निअम। जिस शख्स ने हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को पसंद किया उसे अल्लाह ताला की पहली नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। काल अबू ज़र ने कहा या रसूल अल्लाह ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अव्वलु निअम अल्लाह की पहली नेमत क्या है। काल फरमाया तीबुल विलादा तहारत विलादत है पाकिजगी विलादत है इन्नहु ला युहिब्बुना इल्ला मन ताबा मूलदहू। फरमाया बतहकीक शान ये है कि कोई शख्स भी हमें मोहब्बत नहीं कर सकता मगर ये कि उसकी विलादत पाकिजा हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुहा खां सैयद जहीर अब्बास आबदी साहब कराची सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम नुहा मनकबत खां शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व सोज खां सैयद अनीस अब्बास रिजवी कमर साहब टोरंटो कनाडा से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं खैरियत से जनाब? सैयद अनीस अब्बास रिजवी कमर साहब मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, जैसे ही सेटअप ठीक हो जाता है मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। करबलाए मौला के अंदर जो शख्स भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है। जी मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं जवान आप सैयद अनीस अब्बास रिजवी कमर साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी आपकी आवाज़ सलाम अलैकुम। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही है, मेरे ख्याल कोई सेटअप में कुछ मसला है। मेरी आपकी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम, आवाज आ रही है मेरी? अब जी अब आवाज आ रही है। या अली मदद। जी या अली मदद, कैसे हैं आप? ठीक हैं करम मौला का एहसान, आपकी दुआएं हैं। करबला मौला की पाक धरती में बैनुल हरमैन में आपकी आवाज गूंज रही है। अय्याम अज़ा है, शब जुम्मा है, चाहूंगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हदिया अकीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझ खाकसार को याद रखा और आपकी इस काविश को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बीवी सकीना के हवाले से एक मसाइब हत अब्बास को और मौला हुसैन को पुरसा जो है वो पेश करता हूँ कलाम से। इनायत लहद पे सजाद का थना ये भाई तुझको बचा न पाया। लहद पे सजाद का थना ये भाई तुझको बचा न पाया। बहन सकीना माफ करना रिहाई भी मैं दिला न पाया। बहन सकीना माफ करना रिहाई भी मैं दिला न पाया। वो दुर जो बाबा ने थे पहनाए वो शिमर ने इस
तरह से छीने वो हाय दुर जो बाबा ने थे पहनाए, हाय हाय वो शिमर ने से तरह से छीने हाय तुझे तमाचों से शिमर के हाय हाय मैं, ऐ मेरी प्यारी बचा न अल्लाह पाया, वो बेबसी से तेरा बिलकना, हाय हाय जब आग दामन जला रही थी अल्लाह वो बेबसी से तेरा बिलकना, हाय जब आग दामन जला रही थी मैं कितना मजबूर था सकीना, हाय हाय वो आग दामन बुझा न हाय पाया, हाय मैं कितना मजबूर था हाय सकीना, हाय वो आग तेरी बुझा न अल्लाह पाया। तुम ऊंट की पोस्त से बंधी थी, अल्लाह बदन था जख्मी लहू था हाय 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 जारी, तुम ऊंट की पोस्त से बंधी हाय हाय थी, बदन था जख्मी लहू था हाय जारी, हाय तड़प रही थी अतः से जब तुम, हाय हाय मैं प्यास तेरी बुझा न अल्लाह पाया, अल्लाह लिटा ले सीने पे आज भाई हाय के याद बाबा हाय किया रही है, लिटा ले सीने पे आज हाय भाई के याद बाबा किया रही है, हाँ थे इतने लोहे के तन पे जेवर, अल्लाह थे इतने लोहे के तन पे जेवर, बहन मैं तुझको सुला न हाय हाय पाया, हाय तू कितनी हसरा से पूछती हाय थी मिलेगी कब कैद से रिहाई, अल्लाह तू कितनी हसरा से पूछती हाय थी मिलेगी कब कैद हाय हाय से रिहाई, नहीं रिहाई अल्लाह तेरा मुकद्दर, नहीं रिहाई अल्लाह तेरा हाय मुकद्दर, हाय बहन मैं तुझको बता ना अल्लाह पाया, अल्लाह वो तो को जंजीर हथकड़ी में अल्लाह बनाई कैसे बहन की तुरबा, अल्लाह वो तो को जंजीर हथकड़ी में हाय बनाई कैसे बहन की तुरबा, अल्लाह शमीम लिखते वो कैसे हाय मंजर, हाय जो मेरा मौला भुला ना हाय पाया, हाय शमीम लिखते वो कैसे मंजर, हाय हाय जो मेरा मौला भुला ना पाया, हाय हाय बहन सकीना मुआफ अल्लाह करना,
रिहाई भी मैं दिला ना पाया, अल्लाह लहद पे सजाद का थनोहा, अल्लाह ये भाई तुझको बचा ना पाया। अल्लाह अल्लाह कुछ और पढ़ना चाहेंगे? अगर दामन वक्त में गुंजाइश है तो मैं हाँ, पढ़ तकरीबन देता हूँ तीन से कुछ। चार मिनट हैं आपके पास। बिस्मिल्लाह। जी एक मिनट, जी एक मिनट, एक सलावत पढ़ दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद, اللهم صل व على محمد وعلى सलाम محمد मोहम्मद। وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. सुनाई किसी ने ये जिंदा में लोरी, सकीना सो रही है, अल्लाह खुदा रा जोर से बोले ना हाय हाय कोई, सकीना सो रही हाय है, हाय कहाँ बानों ने ये हाय उठो शाहजादी, अल्लाह हुई क्या बात जो मदर से रूठी, हाय उठो बाबा का सर आया है हाय हाय बीबी, उठो बाबा का सर आया है बीबी, हाय मगर जिंदा की हर दीवार हाय हाय बोली, सकीना सो रही है, हाय हाय तुम्हारे गोशवारे मिल गए अल्लाह अल्लाह हैं, दरे जिंदान सारे खुल गए अल्लाह हैं, अल्लाह रिहाई जाती हूँ घर को, रिहाई मिल गई जाती हूँ घर को, मगर सजाद की आवाज हाय आई, हाय सकीना सो रही है, अल्लाह नाब अल्लाह मारेगा कोई भी तमाचे, अल्लाह अल्लाह न होंगे फिर से ये रुखसार नीले, अल्लाह गला बांधा न जाएगा रसन हाय से, गला बांधा न जाएगा रसन हाय में, हाय जो आया शिम्र तो उसे हाय हाय कहूंगी, सकीना सो रही है, बनाने कब्र जब सजाद उठे, तो हाय वो नादे अली
दोहरा रहे थे, बंधे हाथों से चाह कब्र खो दे, बंधे हाथों से चाह कब्र खो दे, हाय अचानक पांव की जंजीर हाय हाय खड़की, सकीना सो रही है, सुनाई किसने ये जिंदा मेलोरी, सकीना सो रही है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो आपके पास वक्त में गुंजाइश है, अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो। जी मैम, एक और कुछ कर बिस्मिल्लाह, देता इनायत हो। उसने आशूर की शब का मंजर लिखा, सीने शाह पर बिनते शाहे हुदा, अल्लाह और शब्बीर कहते थे ये बारहा, हमको जाना है कल करने वादा वफा, हाय तुम पाल जाएगा सब्र का मरहला, बात सारी सकीना ने शह की सुनी, हाय और जवाबन वो बस इतना कहती रही, हाय अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, हाय रोज हाय चेहरा दिखाने तो आओगे ना, हाय हाय अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, हाय रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, हाय हाय बोले शब्बीर ऐ मेरी नूरे नजर, हाय तुमको करना है अब शाम तक का सफर, हाय तुमको कैदी बनाएंगे अब अहले हाय शर, बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर, हाय तुम कहो तुम सुलाने हाय तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, शाह कहने लगे ऐ मेरी लाडली, तुम पे आएगी अब शाम गम की घड़ी, आग दामन में होगी तुम्हारे लगी, बोली वो फिक्र मुझको नहीं है कोई, मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, मुस्तरब दिल से कहने लगे शाहे दी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं, अल्लाह अब तमाचे लगाएगा
लई सुन के ये बात कहने लगी वो हसी, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, रो के शब्बीर ने उसके बोसे लिए, बोले रुखसार भी होंगे जख्मी तेरे, तेरे रोने के शहजादी दिल आ गए, बोली तुम कैसे देखोगे रोते हुए, अल्लाह हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, जैन जब शाहे वाला ने रोकर कहा अब तो जिंदान मरकत बनेगा तेरा, बेटी साबिर की थी बोली वो साबिरा, मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना। खुदावंद मुताला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, बहुत प्यारे अंदाज के साथ, खुलूस के साथ आपने शिरकत फरमाई। अहले बैत अलैहिस्सलाम आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। इस जिक्र का सदका जल करवलाए मौला ज़रिए अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर हाजिर होकर हदिया जिक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफतें आपकी नस्लों में जारी व सारी रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें। जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से, मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम से, मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम से। ये थे हमारे साथ नोहा मनकबत खां व शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व सोज खां सैयद अनीस अब्बास रिजवी कमर साहब टोरंटो कैनेडा से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आम करते रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। और हमारे दूसरे मेहमान नोहा खान सैयद ज़हीर अब्बास आबदी साहब कराची सिंध पाकिस्तान से, शायद किसी सफ़र में थे वो शिरकत ना फरमा सके, उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं। खुदावंद मुताला उन पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। और नेक्स्ट टाइम आपकी भी खिदमत में है। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कोशिश करते रहें और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए आपको ढेर सारे सफ़र नसीब हों। जो दोस्तान हमारे साथ YouTube पर मैसेजेस लिखते रहे उनमें से ऑन रज़ा साहब ने लिखा, सलामुन अलैकुम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। मौला को सलाम किया, मौला आपके सलाम का यकीनन खलूस भरे सलाम का जवाब इनायत फरमाएंगे, आप पर रहमत बरकत नादिल हों। और फिर लिखा, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला आपके इस तलबिये को 61 हिजरी के 10 मुहर्रम के पुकार पर लब्बैक में शुमार फरमाएँ और आप पर रहमतें बरकतें नाजिल हों। और जो हमारे साथ फेसबुक पर दोस्तान रहे उनमें से अफराहा कधवाई साहब ने लिखा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम या करीम। मौला आपके दुरूद के ऊपर रहमत बरकतें नादिल फरमाए आप पर। और फाखरा नाजली साहिबा ने लिखा, इल्तमास दुआ हमारे लिए वीज़े के दरवाजे खुल जाएं, फिर सलाम या हुसैन लिखा। मौला आपकी दुआएँ कबूल फरमाएँ, आबाद रहें। जो मोमिनीन बाद में लिखेंगे उन सब के लिए भी दुआएँ। जिस तरीके से जानते हैं शब जुम्मा मौला का दस्तरखान बिछा कर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुसीबत खानी की जाती है। मिलते हैं इस को अंजाम देने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत पेश करने के लिए छोटे से वक्फे के बाद।